भाई चाय पी पी कर थक गए और काले भी हो गए। खाना किधर गई मेरी कैमरा गर्ल? मेरे पे तो आप लोगों को कभी कभी शक भी हो जाता है। बोलम ब्लॉगर का देख के मैं यहाँ पे आया हूँ। लड़कियाँ छेड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सॉरी। इतना ना चाय वाले का बना लिया कि मुँह से चाय वाला इन्हें स्टार्ट कर दे रहे हैं, बेच तो रहे हैं। वी आर नॉट बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मर रहे हो तो कुछ करके मरो मेरे हिसाब से, है ना? प्रकाश एक प्रयास। अच्छा, पे तो पे ही खाते हैं। बिहार का ब्रांड है, किसी बिहार के। गर्मी बहुत लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बट स्वागत है। तो आगे एक और नई वीडियो लेकर आप लोग के सामने। सबसे पहले बता दें, बहुत लोग बोल रहे थे कि आपके हेल्थ को क्या हुआ था, तो अभी हम बिल्कुल फिट हैं और आ गए हैं एक ब्लॉग लेकर आप लोग के सामने। हम बात करें लोकेशन की, तो पटना में आप लोग जानते होंगे कि आस्था लोक हॉस्पिटल जो है ऐसे ही। हालांकि आपको लोकेशन की अगर हम बात करें तो भैया से बात करेंगे तो इनसे एग्जैक्टली लोकेशन यहाँ का हम ले लेंगे। हालांकि आपको बता दिए कि जो हॉस्पिटल है उसी के पास ये स्टॉल है, तो स्टॉल की तरफ आप चलें और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। MBBS चार्ट वाला मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग। देख रहे हैं कि कभी BBA वाले आ रहे हैं जो कि मैगी बना रहे हैं, कभी आ रहे हैं BCA वाली जो कि चाय बना रही है, कभी आ रही है ग्रेजुएट कोई चाय बना रही है। तो इस तरीके से लोग वायरल तो हो रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ नया देखने को मिला। लोग हमको कमेंट बॉक्स में आकर क्या बोले कि सुकृति जी आप चाय बहुत पी ली, जाइए MBBS वाले जो हैं चार्ट वो बेचते हैं और उनके पास जाकर आप उनकी जो अलग वेराइटीज़ है उनको ट्राई कीजिए। तो आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ये MBBS का टैग क्यों दिए हैं। सबसे पहले हम यही पूछेंगे, उसके बाद हम यहाँ का जो भी है खा कर आप लोग उसका रिव्यू भी देंगे, वो तो मेरा काम है ही। तो सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या हुआ आपका? प्रकाश। प्रकाश आपका नाम हुआ। साइड से हम एक वीडियो देखे थे, उसमें प्रकाश के साथ आप कुछ और भी। जी, प्रकाश एक प्रयास। अच्छा, प्रकाश एक प्रयास। ओके, तो आप सबसे पहले ये बताइए कब से ये स्टॉल आप यहाँ पर लगा रहे हैं? 14-15 दिन हो रहे हैं मैम। MBBS का जो आप लगाए हैं टैग क्यों लगाए? MBBS की डिग्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है या फिर कर रहे थे और छोड़ दिए बीच से? नहीं, जैसा वाला MBBS आप लोग सोच के आ रहे हैं वैसा वाला MBBS से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। MBBS चाट वाला मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग चाट वाला। अब जैसे MBA चाय वाला का उनका अहमदाबाद तो आ गया किसी ब्रांड में और वो ब्रांड हमारे पटना तक तो आ गया, लेकिन एक बिहार का कोई ऐसा ब्रांड हो जो कि बाहर जाके ये भी लोग कहे कि अरे देखो यार बिहार का ब्रांड है, किसी बिहार के बंदे ने बनाया। अच्छे से हाइजीन तरीके से लोगों को देना और स्ट्रीट फूड को प्रमोट करना, इसीलिए बस एक नाम जरूरी होता है, एक ट्रिकी नाम जरूरी होता है एक अच्छे बिजनेस के लिए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है इनके साथ कि MBBS किए हुए हैं, ये बस MBBS अपना लगा लिया आगे में टैग। और आप इसका फुल फॉर्म क्या बताएं? मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग चाट वाला। मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग चाट वाला, जी यूनिक। बस कह सकते हैं कि स्ट्रीट फूड को आप बढ़ावा दे रहे हैं। बस स्ट्रीट फूड को, जो एक जो लोगों की मानसिकता है बिहार के अंदर कि आप ठेले पे मत खाओ, ठेले का अनहाइजेनिक होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा, तो दूसरी मानसिकता को थोड़ा बदलाव के लिए कि यार ठेले पे अगर ही खाते हैं मजा आता है, ठेला वाला जो टेस्ट आता है वो रेस्टोरेंट में नहीं आता है। हम बता रहे हैं हर दिन ताजा बनाना, ताजा खिलाना, जो भी लोग खाते हैं सेटिस्फाइड होते हैं और अच्छा कह के जाते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए आपकी एजुकेशन हो कहाँ तक गई है? 2018 तक मैंने फिजिक्स ऑनर्स करा था। मैं दरभंगा से हूँ, LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। फिर कंधे पे बैग लेके ऐसे ही पटना एक सरकारी नौकरी का जो सपना, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा हमारा सरकारी नौकरी ले और सेटल हो जाए। हाँ। तो बस उसी सपने को पूरा करने के लिए चल दिया मैं भी सर। लेकिन भीड़ जब यहाँ आने के बाद, जस्ट वहाँ आप देखोगे कैरियर प्लानर था जिसमें मैं पढ़ा करता था, यहाँ जो अलग अलग जगह पे जाके भीड़ देखा ना तो लगा कि भैया यहाँ
नौकरी इतनी सी है और भीड़ इतना सा है, तो मैंने भी चल दिया यार, कुछ अपना होना चाहिए, कुछ ऐसा अपना होना चाहिए जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, दो लोगों को रोजगार मिले। क्यों हम इस बेरोजगारी के कतार को और लंबी करती चले जाए। लेकिन बीच में पानी बाढ़ भी आ गया था पटना में, एक बार वो सब बहा के ले गया, एक बार फिर से कोरोना बहा के ले गया, लेकिन मैं कहीं हारा नहीं, रुका नहीं, प्रकाश एक प्रयास करता रहा और अभी जाके ये हुआ है और अभी आप लोग की नज़र में आया कि हाँ, क्योंकि ये संघर्ष लंबा है। ऐसा नहीं है कि दो रात पहले मैंने सपना देखा और कल सुबह उठ के मैंने करना शुरू कर दिया। ये संघर्ष बहुत 4-5 साल का संघर्ष, और करेंगे यार, जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो करना है। सही बात है, करते रहना है, और क्या, हार नहीं मानना चाहिए। अगर देखो मर रहे हो तो कुछ करके मरो, मेरे हिसाब से, है ना। ऐसे ही वेले मर जाओगे तो फिर अपने आप पे भी ना ऊपर जाने के बाद एक खलस सा रहेगा कि प्रयास तो कर लेते, प्रयास भी नहीं किए यार। प्रयास एक प्रयास ही। बेरोजगारी की लंबी कतार है, आओ करते व्यापार है, बढ़ाते मिलकर बिहार है। बिजनेस करेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार, बात सही है। वी आर नॉट बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, वी आर मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विस। तो आजकल हर जगह पर सुनने को मिल रहा है कि देखो ना, आजकल किसी को कोई काम नहीं मिला है तो स्ट्रीट फूड पे बस एक स्टॉल खोल ले रहे हैं और बेचना स्टार्ट कर दे रहे हैं। बेच तो रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं, मतलब महत्व है इनके, ठीक है। तो कुछ करे लोग तब भी दिक्कत, ना करे तब भी दिक्कत। सब लोग तो IAS IPS बन नहीं सकते हैं। MBBS चाट वाले जो है, सॉरी, इतना चाय वाले का बना लिए कि मुंह से चाय वाला ही निकलता है। चाट वाले का जो मेन्यू कार्ड है वो भी आप लोग को थोड़ा सा हम बता देते हैं, दिखा देते हैं कि क्या है। हमारा टिक्की चाट है, पापड़ी चाट है, समोसा चाट है, टोकरी चाट है, कुल्हड़ चाट है, समोसा है, कचौरी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है और रस मलाई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइजेस भी मेंशन की हुई है। आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जो कि छोटे छोटे स्टॉल पर भी अब देखने को मिल जाती है। एंड अब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर करके टेस्ट आप लोगों को बताएंगे। तो हम तो अभी खाए नहीं है, मेरे में भी टाइम है। उससे पहले आप यहाँ पर भीड़ देख लीजिए, भीड़ किस तादाद में है देख सकते हैं, धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। वैसे भैया आपका टाइमिंग क्या है? 4 बजे से 9 बजे तक का इनका टाइमिंग है। जैसा कि मेरा एक और काम है कि लोग जो वहाँ आते हैं उनसे रिव्यू लेते हैं वो, क्योंकि अपना जो रिव्यू देंगे वो रियल रहेगा, ठीक है। मेरे पे तो आप लोगों को कभी कभी शक भी हो जाता है। मेरा नाम सतीश कुमार उर्फ छोटे जी हुआ। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। तो आप ये बताइए कब से यहाँ पर आप आ रहे हैं? आज है, व्यक्ति है, विद्यार्थी है, सब तो मेरा परिचित है। अच्छा अच्छा, देखे तो हम रुक जाते हैं। आपको टेस्ट कैसा लगा ये बताइए? अच्छा लगा। अच्छा अंकल, एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग अनुभवी हैं, हम लोग आपके बच्चे जैसे हैं अभी, ठीक। तो जैसा कि आप लोग का, हम लोग से एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ अच्छा करें, है ना। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स आज के ये सारा कुछ कर रहे हैं, MBA कितने सारे वो मैगी वाले आए, या फिर तो आपका आपका क्या कहना है, अपने एज के अनुसार आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें क्या सही जा रही है, गलत जा रही है? सही है। सही है। अब इच्छा, दृढ़ संकल्प अगर कोई चीज़ में लेकर चलेगा तो उसको दिक्कत कहीं नहीं है। और हमारे युवा में अभी भी यही सबसे बड़ा कमी है, और इसी के लिए हम लोग भी बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल अंकल जी, जहाँ भी कहीं अगर कोई को दिक्कत होता है तो हम लोग भी उसको सहयोग देते हैं। हाँ। 5 आदमी ले ही के आगे खाएंगे कि इसको और कुछ बढ़ जाए, और कुछ ये हो हाथ में, जिसके पास अगर कुछ करने लगा। हाँ। आप 2 लेबर या स्टाफ रख लोगे। हाँ। तो दूसरे के बेकार चले गए। हाँ। वही अपने ही युवा की, अभी किसी के अगर बच्चे बिगड़ गए, नशा वसा का करने लग गए। हाँ। आदत लग गया, या कहीं पर भी पड़े हुए लड़कियां छेड़ रहे हैं। हाँ। सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो लोग बोलेंगे कि कुछ किया नहीं, कुछ किया। उससे तो बेहतर है ना कि कुछ कर रहे हैं एटलीस्ट यहाँ पर। हाँ, ये लड़की को तो नहीं छेड़ रहे, या कोई गंदा नशा का लत नहीं लग गया इनको। बहुत तो अच्छा, आप देख लिए ये। सबसे पहले तो धन्यवाद अंकल, धन्यवाद अपना टाइम हमको दिए। दूसरी चीज़ हम आप लोग को ये बोलना चाहेंगे, जरूरी था हम लोगों से दुगना तिगुना एज के जो हैं, जो ज़्यादा अनुभवी हैं, लाइफ को ज़्यादा देखे हैं, उनसे बात करना। बात किए, पर्सपेक्टिव इनका क्या है ये हम लोग जान गए। कुछ लोगों से और भी बात करते तो अब हम लोग खुद के जनरेशन, जो हम लोग सेम एज के चल रहे हैं, उनसे पूछते कि उनका क्या एज को लेकर पर्सपेक्टिव है। तो सबसे पहले नमस्कार, नाम क्या हुआ आपका? आदित्य नाम हुआ आपका। जी, लोग जब भी आते हैं लगातार यहाँ पे आते हैं, जब से खुला तब से आते हैं। जी। तो आप पहले तो ये बताइए टेस्ट कैसा लगता है? टेस्ट यहाँ का जबरदस्त है, मतलब बाकी यहाँ पे बहुत दुकान में खाए, लेकिन यहाँ पे टेस्ट अलग ही है, टेस्ट यहाँ पर अलग है। मेरा नाम विमल हुआ। विमल नाम हुआ। हाँ हाँ। आप कब से आ रहे हैं? मैं मेरा फर्स्ट टाइम है ये, और आप ही लोग जैसे ब्लॉगर का देख के मैं यहाँ पे आया हूँ। एक चीज लाइक अभी ये सारा कुछ जो चल रहा है वायरल,
इसके ऊपर आपका क्या कहना है? लोग अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, सही है ना? एक तरह से ही सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं, अच्छी है, मोटिवेशनल भी है, लग रहा है कि दूसरे को इंस्पायर भी कर रहे हैं लोगों को कि खुद को मैं स्वतः सेल्फ रोजगार एक तरह से कहिए कि डिपेंडेंट स्वतः डिपेंडेंट मतलब अपने करियर को खराब तो नहीं किया, बिल्कुल कुछ तो किए, रोजगार भी दिए हुए हैं, दो लोग को रोजगार भी दिए हुए हैं हमको, इसमें हम भी मतलब इस पे थोड़ा इंस्पायर्ड है इस तरह के कंसेप्ट पे। हाँ, आप लोग खाइए आराम से, और आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब किए, सॉरी, कोई नहीं, कोई नहीं। बाकी बात करके बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, थैंक यू सो मच। तो सबसे ज्यादा आपका क्या यहाँ पर बिक्री हो रहा है? सबसे ज्यादा समोसा चाट मैक्सिमम लोग खाना पसंद करते हैं, जी थोड़ा लाइट वेट रहता है, हेवी नहीं, लाइट वेटेड ही खाना है ना, ये यही ट्राई आप करो, आप लाइट वेटेड ही खाना है। किधर गई मेरी कैमरा गर्ल? लाइट वेटेड ही कुछ हम भी ट्राई करेंगे यहाँ पर। भैया थोड़ा देख सकते हैं इसको, ये देखिए आप इधर क्या है, गुलाब जामुन है, मतलब ये कोई चाय वाला सीन नहीं है, ठीक है, ये मत सोचिए कि यहाँ आए हैं तो चाय वाय पीने को मिल रहा है, भाई चाय पी पी कर थक गए और काले भी हो गए, तो सही बात है, कुछ ट्राई नया करते हैं। और इधर इधर की ये क्या है भैया? चंद्रकला, ये आप देख सकते हैं, छोटी सी कार्ट है, इस कार्ट में काफी कुछ देखने को मिल रहा है, और लगता है धीरे धीरे इसके ये अगर चल गया तो ब्रांचेज ओपन होगी ना भैया इसके? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहेगी एम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको बढ़ाया जाए। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आप देख सकते हैं शाम के 7:15 हो रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी निकलना भी है, काफी दूर हम आए हुए हैं यहाँ पर। जी ना भैया, आप लोकेशन यहाँ का एग्जैक्ट बता दीजिएगा क्या है? केंद्रीय विद्यालय के पास है, मतलब मेन रोड ऑरेंजिन से जब आप मेन रोड डॉक्टर्स कॉलोनी मेन रोड है, और सामने में इंडियन बैंक है, बगल में आस्था लोक हॉस्पिटल, देख लिए आपको पूरी तरह से बता दिया गया, आस्था लोक हॉस्पिटल बगल में है, सामने में इंडियन बैंक है, और जस्ट बगल में केंद्रीय विद्यालय। एक टोकरी चाट हम बनवा रहे क्योंकि काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा यहाँ खा पाना मुश्किल, ऊपर से गर्मी आप देख सकते हैं हमको बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो हम उसको पैक करवाएंगे घर पे खाएंगे, और टेस्ट के लिए यहाँ पे हम नॉर्मल वाला एक बनवा ले रहे हैं जिसको हम खा कर अभी आपको रिव्यू देंगे। जीरा पाउडर डाल दिए, फिर धनिया पाउडर, फिर मिर्ची पाउडर, फिर काला नमक, फिर चाट मसाला, और इसके ऊपर से हम लोग देंगे टिक्की, इसमें डालेंगे ये आलू टिक्की है, जी जी आलू टिक्की, ये मेरी वाली पैक हो रही है ना, और ये किसी के लिए बन रही है, ये किन्हीं के लिए बन रही है, खट्टा तीखा चटनी डाल देंगे, अंदर में भी रहना चाहिए एक फ्लेवर, आलू का मसाला, आलू प्याज सारा मसाला चटनी वटनी सब डाल के। ये आपका अलग अंदाज है नहीं बनाने का? बनाने का अलग, कुछ अपना रखो, कुछ अपना रखना, मसाला चाट है ना, मसाले का प्यार हमेशा डालते रहिए, कुछ ना कुछ डालिए और मसाला डाल दीजिए। अच्छा, मसाले का प्यार हमेशा डालते रहना चाहिए। ये तीन लेयर में आपको टेस्ट मिलेगा जब आप खाओगे ना, तो अलग अलग तीन लेयर में आपको मिलेगा। टोकरी चाट का टेस्ट कैसा लगा ये घर पे जब हम जाएंगे तो खाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे दर्शक आप लोग के लिए हम नीचे में थोड़ा सा कैप्शन दे देंगे, देख लीजिएगा कैसा लगा हमको बता देंगे। ये गया दही, एकदम मीठा वाला चटनी है, क्या चीज का चटनी बनाया है आप उसको? इमली है, चीनी है, गुड़ है, बहुत तरह का मसाला है, गर्मी भी है भैया, हालत खराब हो रहा है गर्मी से, प्याज गया। वैसे आप कितना स्टाफ रखे हुए हैं? हम लोग तीन आदमी हैं। रिस्पांस क्या आ रहा है आपका? बहुत बेहतर रिस्पांस है, लोग खा रहे हैं तो वापस आ रहे हैं, फिर लोग आपके लिए बनाए हो? हाँ, बस मेरे लिए बनाइए, थोड़ा ना आप जो बनाते हैं ना उससे भी कम ही क्वांटिटी बनाइएगा, हम खा नहीं पाएंगे, पता नहीं ये भी देख के हमको लग रहा है कि हैवी ही है, कैसे खाएंगे। टोकरी चाट का आपकी प्राइस क्या बताए? 40 रुपये। और ये जो बना रहे हैं नॉर्मल वाला? 30 रुपये। चाट आ गया, गर्मी बहुत लग रहा है, बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है, बट बैठते हैं, थैंक यू सो मच। तो ये कैसे खत्म होगा यार, मजा नहीं आ रहा है। टेस्ट बताते हैं एक बार में, कहीं पता चलेगा। इतने कटोरी अब जो है ये पत्तल की बनी हुई है, पत्तल वाले इन्होंने यूज़ किया है, वो जो होता है ना एक क्या डिस्पोजल होता है शायद से, डिस्पोजल नहीं है ये, पत्तल वाली है। हम रिव्यू बताते हैं, टेस्टी है, क्वांटिटी जो भी है इसने सही से डाली हुई है, बाकी बनाते हुए तो हम आपको दिखाएं, जैसा कि वो बता रहे थे कि हर कुछ देर पे प्यार की तरह इसमें मसाला डालते हैं कुछ ना कुछ, वाकई टेस्टी है।
आप लोग भी आइए, ट्राई कीजिए, ट्राई करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को यहाँ का कोई भी डिश कैसा लगे, क्योंकि हम सारा कुछ तो नहीं खा पाए और जो टोकरी चाट है उसको तो पैक करवाए हैं, सिंपल वाली चाट खाकर आप लोग को रिव्यू हम बता दिए। दही वही जो भी इसमें डाला हुआ है हमको सब कुछ ये टेस्ट उभर कर आ रहा है। और एक होता है ना कि कहीं पर कुछ मात्रा में ज़्यादा दही पड़ जाता है, खट्टा पड़ जाता है, या कहीं पर ऐसा होता है मीठा ज़्यादा पड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा खाना हो गया, थोड़ा बहुत पेमेंट करना है, पेमेंट करेंगे भैया से, थोड़ा बहुत बात करेंगे, उनको अभी तक हम नहीं बताएं कि टेस्ट कैसा लगा। लाइन है जो कि आपको हम पढ़ कर बताना चाहेंगे, जितने बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनमें से 10% का रिजल्ट होता है, क्या आपने सोचा है 90% का क्या होता है? मैंने सोचा, आपको भी सोचना होगा, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि बाकी 90% का क्या होता है, 10% का तो रिजल्ट होता है, हम लोग देखते हैं बाकी 90% में। हालांकि देखा जाता है 90% में हम भी आते हैं, मेरी कैमरा गर्ल आती है एंड बाकी जितने भी स्टॉल्स लगा रहे हैं वो सारे लोग आते हैं। तो इनका कहना है कि मोटिवेट कर रहे हैं कि बैठ कर आप लोग क्या कर रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो कुछ करो, सोचो, आगे बढ़ो। एक्सक्यूज़ मी भैया, खा लिए, टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। फुल पेमेंट कितना हुआ? पेमेंट क्या खाएँ आप, खाएँ एक चाट 35 रुपये, एक टोकरी चाट पैक करवाए हैं और एक शायद से 35 या 30 वाला था चाट जो खाए हैं, तो 60 रुपये। 60 रुपये का तो होता है ये कौन सा, ये काउंट किए हैं, हम पे करते थे यहाँ पर ऑनलाइन लाइक ऐसे, हाँ ये हमको डिस्काउंट दे रहे थे, बट मेरा कहना है कि यहाँ पर ब्लॉगर आते चले जाएंगे तो ऐसे ही सबको डिस्काउंट देंगे, तो फिर ये खोल कर ही क्यों यहाँ पर बैठे हैं ना, ये गलत चीज़ हो जाएगा। बोलेंगे भैया इसी तरीके से आप काम करते जाइए। बस धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो फिर कहीं ना कहीं बिहार जाके एक बाहर जो एक छवि है कि बिहारी बच्चे बस नौकरी करने के लिए पैदा होते हैं, तो ये छवि कहीं ना कहीं हटेगी लोगों के दिमाग से। बस आप लोग ऐसे ही आप लोग काम करते रहिए, बाकी टेस्ट बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और हम भूल गए थे आप लोगों को बताना, ऐसा है कि डियर कस्टमर प्लीज शेयर योर फीडबैक, दैट विल हेल्प अस टू सर्व यू बेटर, योर सेटिस्फैक्शन इज आवर अचीवमेंट। जो भी खाते अपना फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए यही बोलेंगे कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।